सोस प्रथम की नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान के साथ भारत के अरूठे संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे। पारो हवाई अड्डे पर पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने उनकी अगवानी की और गले लगाकर पीएम मोदी का अभिनंदन किया, जिसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं रास्ते में दोनों तरफ खड़ी जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गौरतलब है कि ये यात्रा 21 से 22 मार्च को होनी थी, लेकिन भूटान में खराब मौसम के चलते इसे टाल दिया गया था। ये यात्रा दोनों पक्षों को पारस्परिक हित के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का आदान प्रदान करने और दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए आपसी अनुकरणीय साझेदारी को विस्तारित एवं मजबूत करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगी। बताते चले कि भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1968 में हुई थी। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कई बार भारत का दौरा कर चुके हैं। पिछले साल नवंबर में भी भूटान नरेश ने भारत का दौरा किया था। ये जनवरी में शीर्ष पद संभालने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।